कोई इम्प्रूवमेंट आपको हाँ, नजर आया? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मोदी साहब ने जब से 100 स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट किया है, तब तो से कोई थोड़ा एक 100 सिटी स्मार्ट सिटी बना कहीं? अभी तक नहीं आया। तो भाई बोलता हूँ कि अपने को इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सारी ये जो योजनाएं हैं इनकी सब 20 साल आगे की नहीं, हैं। पर अगर आप 10 योजना करो और एक भी कंप्लीट नहीं करो तो फायदा क्या होगा? आप इतना अभी अभी मैं जैसे आपको आते हुए क्या बोला कि इतने सारे रास्ते हम जाएं कहाँ? ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं बोला पहले 3 तो सिलेक्ट करो, पहले 2 तो सिलेक्ट करो और 1 तो सिलेक्ट करो कम से कम। आपको जाना कहाँ है? तो ये आप खुद गवर्नमेंट से मिलते रहते हैं, आप तो खुद सत्ता के इतने करीब हैं, तो आप खुद बोलते होंगे मंत्रियों को, तो क्या हाँ बोलते हम हैं? बोलते हैं, मैं बोलता हूँ देखो जो बात करने से पहले हमको एक्शन प्लान रखो। अगर आप प्रोजेक्ट रख रहे हो तो पहले एक्शन प्लान रखो, एक्शन प्लान रखो तो उसका टारगेट रखो, टारगेट एंड रखो तो टाइम बाउंड करो, रिलीज द फंड। टाइम बाउंड करो। फंड्स का तो मैं फंड्स की बात ही नहीं करता मैं गवर्नमेंट से, मैं बोलता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रखो आप। ओके। पीपीपी मॉडल सुना आपने? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कैसे कैसे रहता है क्या मॉडल? होता है? आप हम गवर्नमेंट के सपोर्ट दे दो, कोई भी पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट एंटरप्राइज कोई भी हाथ डाल के काम करेगा, उसको बॉटलनेक निकाल दो। जैसे अभी एयरपोर्ट बना है, हमारा एयरपोर्ट तो अभी देखने के तो काबिल हो गया है ना, बिल्कुल। एयरपोर्ट में देख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, बॉम्बे एयरपोर्ट है, या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट है, या बेंगलोर एयरपोर्ट है। अभी आजकल वहां पर जाओ तो ऐसा लगता है कि हम लोग फॉरेन एयरपोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट का थोड़ा हिस्सा है, प्राइवेट का इतना हिस्सा है। तो इस तरह करने से प्रोजेक्ट आसान हो जाते हैं। अब जैसे आईटीसी के इतने होटल्स हैं या गवर्नमेंट के जितने भी चल रहे हैं, वो कहाँ प्रॉफिट पूल से कम, बहुत कम कम लोग जो प्रॉफिट दिखाते हैं। तो उसको पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज करो, उनका एक्सपर्टीज यूज करो, तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंड्स के जहां तक आप बात बोल रहे हो ना, फंड्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सर गवर्नमेंट पर। हम लोग मोदी साहब को 4 साल हो गए, 1 साल उनका और बाकी है। किस तरह से आप उनको रेट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को, और क्या आपको लगता है कि उन्होंने जितने जो वादे किए थे उसके हिसाब से कितना उन्होंने पूरा किया है, और क्या वो सफल हुए हैं या फेल हो गए हैं? देखो मोदी साहब एज अ लीडर या एज अ सोच समझ जो रखते हैं मेरे हिसाब से वो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, उनका इंटेंशन साफ है, वो खुद हार्ड वर्किंग है। लेकिन एक आदमी से कोई चीज चलती है क्या? चलती नहीं, उसके लिए टीम होना चाहिए। टीम होना चाहिए। टीम होने के बाद में भी तो उसको एक अच्छा सा एग्जीक्यूशन टीम होना चाहिए। अच्छा जैसे तो अगर टीम में परफॉर्मर थे वो, तो उन्होंने लिए नहीं टीम में, बाहर बैठे हुए। तो वो वही बोल रहा हूँ, मुझे मैं क्या जनरल बोल रहा हूँ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो डिसीजन का एक प्रोसेस होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिसीजन तो ले लिया, अच्छा डिसीजन ले लिया या गलत डिसीजन ले लिया, डिसीजन के पहले एक उस पर टोटली ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं हम लोग, यानी कि यस। बहुत सारा थिंक टैंक करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, उसके ऊपर हम लोग उसमें उसमें बहस करने के बाद में एक नतीजा निकलता जी कहिए कहिए कहिए। हाँ, हाँ कंटिन्यू कर तो लीजिए। बोले मतलब ये है कि मोदी जी इज अ गुड लीडर, डेडिकेटेड हॉनेस्ट मैन, जहां तक ऑनेस्ट मैं भी मैन, उनको पहले भी जानता हूँ पैट्रियोटिक अभी भी पर्सन। जानता हूँ, तो वो सब बातें हैं। अभी उनके साथ में टीम, उनको पावर कहाँ तक चल रहा है, उनका एग्जीक्यूशन कहाँ तक सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो उनका। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, सो डू यू थिंक दैट ही विल रिपीट द नेक्स्ट टर्म? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। सी देखो अभी क्या होता है, हमारे हमारे वोटर्स जो है, स्पेशली वोटर्स की बात करता हूँ, हमारे वोटर्स का सेंटिमेंट क्या होता है, जो सामने आज सुन लिया वो शाम तक उनको याद रहते हैं, अगले दिन बोल जाते हैं। अगले दिन भूल जाते हैं। वो जिस दिन स्पर ऑफ द मोमेंट जो डिसीजन ले लेते हैं ना, वो वोट हो जाता है। हमारे वोटर्स के पास कॉन्शियस डिसीजन क्या है, 50-60% लोगों को तो इकोनॉमिक्स क्या है मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। अब वादों पे आजकल के जितने भी हमारे लीडर्स वादे करने पे 400 करोड़ बोल दिया, ताली बजा लिए, सबको घर मिल जाएगा, ताली बजा लिए,
तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, हम ताली हो जाएंगे। शाम में जाके 4 बजे पहुंच गया, 5 बजे के बाद में सब भूल जाओ। अगर मैं आपको मीठी मीठी बातें बोल के बोल देता हूँ, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, आपको वो दिमाग में 3 दिन तक तो बात रहेगी नहीं रहेगी आपकी। इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, अगर वो अच्छा नहीं काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो लगातार जीत रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, कल ही खबर आई है, परसों आई है कि उसमें आधे से ज्यादा वोट उन्होंने जीते हैं। तो ये क्या वजह है? अच्छा भी कर रहे हैं और जीत भी, नहीं भी अच्छा कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज नहीं अच्छा कर रहे हैं, फिर जीत कैसे रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको हमारे जो 50% वोटर कौन है, और आपने कभी वोट करके देखा है महाराष्ट्र में? हम है, मैं हमने वोट किया है किसी को जाके पंचायत हाँ। इलेक्शन में? नहीं किया है। और कौन करता है? एक कोटरी बनी हुई उनकी, ओके, वो जाके वोट करते हैं। अभी समझो अगर उसमें से कौन से एजुकेटेड पीपल हुए, पढ़ लिख के हुए, या जो काम करने वाले, जो बिजी रहते हैं, उनके पास में जाके पंचायत इलेक्शन में एक दिन पूरा वेस्ट करने के अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये मानते हैं कि देश में आर्थिक अस्थिरता है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1 year back before the नोटबंदी, the GDP was more than 8%, okay? मनमोहन सिंह के टाइम में 7.6 थी, प्लस 8 थी। अब जो है एक साल के अंदर, अभी नवंबर आ रहा है, ठीक है, अभी 9 नवंबर आए, 8 नवंबर आने वाला है, लेकिन GDP रेट है 3.7, इवन लेसर देन दैट, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स है। तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ GDP का नंबर क्या है, मैं वो मैं ऑफिशियली तो जानता हूँ, उसका वो प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इंडियन के ग्रोथ है, हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसमें टूरिज्म का और ट्रैवल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नहीं देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें, बहुत सारी चीजें जो कमिट हो गई थी, जिन लोगों ने विश्वास रखा था, स्पेशली जो कमर्शियल सेक्टर हायर सेगमेंट वाले ने भी जो भरोसा किया था, वो आज वो लोग भी शैटर्ड हो गए, लेकिन बोल नहीं पाते, बोलने पाते। और जो बोलते हैं उनको चुप करा दिया जाता है। दूसरी बात क्या है, बोलने बोलने से भी नुकसान है, नहीं बोलने से भी नुकसान है, करे तो क्या करे। अब मैं बताऊं कि आजकल हमारे देश में सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है, बिकता ही नहीं बिकता है, बिल्कुल सब बिकता है, तो उसमें जिसके पास में ताकत है वो कुछ भी खरीद सकता है। मैं सब कुछ में सब बोल रहा हूं मैं आपको, बोलने का मतलब क्या है कि क्या यहां पर जो है ना भाई, अगर हम किसी चीज के लड़ेंगे उसका सक्सेस मिलेगा कहां तक हमारे साथ में लोग चलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए क्या है आजकल, अभी एक मैं कंक्लूजन मेरा भी यही है कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ 25-30 साल से, जो माहौल बनना था, क्योंकि मैं भी मल्टीनेशनल कंपनी से डील करते हैं, हम लोग बाहर से डील करते हैं, टूरिज्म बोर्ड से डील करते हैं, तो जो माहौल बनना था, जो कंडेंसिव एटमोसफेयर होते हैं ना, जो आने का एक प्यारा माहौल जो बनना था वो नहीं बन पाया, अच्छे दिन जो आने वाले थे वो आए नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो फांसीवाद और कट्टरता भी देश में बढ़ी है, धर्म और जातियों को लेकर भी दंगे और मारकाट हुई है, उनका कोई इंक्वायरी नहीं है, तो इस चीज को लेकर के आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? या देखिए, आपकी आपने देखा ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज होती है वो क्या थी? अभी जो पार्टीज हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे देश में काम कर रही फिलहाल, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो एक धर्म के तरफ ही फेवर में थी, ठीक है नहीं थी? वो तो यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबको धर्म के और जाति को दिमाग में रखते हुए काम करना ही पड़ता है। तो इसलिए पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो मेजोरिटी होगी, हाँ ये भी मेजोरिटी होगी, यहाँ मेजोरिटी होगी, तो इसमें क्या होता है, अगर उन लोगों को खुश करने के लिए तो इनको भी कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो ये लोग खुश हो जाए। हमने आपको वोट दिया है, ये प्रिंसिपल पे, एक पार्टी के लाइन पे दिया, तो हमको कुछ तो मिले, तो इसके वजह से थोड़ा ये अभी भेदभाव जातिवादी का ये थोड़ा असर माहौल नजर आ रहा है। ठीक है पुल्ला साहब, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बात के लिए। आप हकीकत है आजकल।